फिजिक्स के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जो कि हमारा मैकेनिक्स एंड वेव मोशन है, इसके अंतर्गत जो हमारा चौथा लेक्चर है इसमें बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे। और इसमें जो हमारी हेडिंग है वो हमारी है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये हमारी हेडिंग है। हमें करना क्या है? कार्य को ऊर्जा के बराबर यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या करना है? कार्य को ऊर्जा के बराबर ज्ञात करना है। अब बात आती है ऊर्जा की। ऊर्जा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो कैसी है? काइनेटिक एनर्जी के बारे के बराबर हमें क्या करना है? वर्क को सिद्ध करना है। जब ऐसा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये बन जाएगी वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने पहले भी बताया था कि मैकेनिक्स जो है वो न्यूटन के नियम पर आधारित है। न्यूटन के नियम की सहायता से ही जो भी कार्य करेंगे इसके अंतर्गत वो न्यूटन के नियम का सही लेकिन करेंगे। देखिए यहाँ पर न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, हमने पहले ही बताया न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, फंडामेंटल नियम है, जिसको व्यापक नियम भी कहते हैं। इसकी सहायता से हम फर्स्ट नियम को ज्ञात कर सकते हैं। हम पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे हम सेकंड नियम से फर्स्ट नियम को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ बराबर डीपी अपॉन डीटी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। अब देखिए पी हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? रेखीय संवेग। और रेखीय संवेग जो है वो पी बराबर हमारा एम बी के होता है। हमने क्या किया यहाँ पे, इसका मान रख दिया डी अपॉन डी टी एम बी। और एम हमारा कैसा है? हमने पहले बताया था एम हमारा कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है यानी कि नियत मान है। जब नियत मान है तो हम लिख दिया एम डी बी। जब डिफरेंशिएट करें कि ये कांस्टेंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पर जो बचेगा वो रह जाएगा डी बी अपॉन डी टी। क्या रह जाएगा? डी बी अपॉन डी टी, यानी एफ बराबर हो गया एम डी बी अपॉन डी टी। ये हमारा क्या हुआ? समीकरण नंबर एक हो गया। यहाँ पे बात आती है, देखिए ये हमारा कैसा था? नियत था। और ये कैसा था? ये हमारा जो था स्केलर, ये हमारा स्केलर था, ये हमारा वेक्टर था, इसलिए हमने यहाँ पे वेक्टर नहीं भी लगाया। ठीक है, यहाँ डी बी अपॉन डी टी बल एफ द्वारा द्रव्यमान एम के कण में उत्पन्न किया हुआ त्वरण है। देखिए हमने पहले ही बताया था कि वेग परिवर्तन की दर क्या होती है? त्वरण होती है। और ये जो त्वरण है ये किस पे लगा है? द्रव्यमान एम, एम द्वारा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब देखिए यदि एक कण बल एफ द्वारा ए से बी तक ले जाया जाता है, अगर एक कण को बल लगा रहे हैं और किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं, तो देखिए जब भी हम किसी पॉइंट से किसी को ले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, तो क्या करना पड़ता है? उस पर कार्य करना पड़ता है। तो कण पर किया गया कार्य, कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? बल लगाया गया है। बल लगाने से क्या हुआ? ए से बी तक पहुंच गए हैं, अब पहुंचने पर कार्य हुआ है। और कार्य डब्लू इक्वल टू, देखिए एंट्री ऐसा लगा दिया ए टू बी। ए हमारी क्या है? इसकी लोअर लिमिट है। और बी कैसी? इसकी अपर लिमिट, यानी ए से बी तक जा रहे हैं। तो क्या है? ये इनिशियल पॉइंट है, बी हमारा कैसा है? फाइनल पॉइंट है। तो यहां पर हमने क्या किया? एफ डी आर, क्योंकि डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू आर होता है, जो कि हमारा क्या होता है? कार्य होता है। अब देखिए हमने एफ का मान रखा है, हमने ऊपर निकाला है समीकरण एक में एम डी बी अपॉन डी टी कितने की दिया हुआ है। हमने क्या किया? एम डी बी अपॉन डी टी हमने यहाँ पे रख दिया। एम हमारा कैसा था? कॉन्स्टेंट था, हमने उसको बाहर कर दिया। फिर हमने क्या किया? इंटीग्रेशन लगा दिया ए टू बी डी बी अपॉन डी टी और डॉट में दिया हुआ है डी आर, हमने डी आर लिख दिया। ये हमारा क्या हुआ? इस प्रकार से हमारा समीकरण नंबर दो बन गया। ठीक है, अब देखिए
जो समीकरण नंबर दो है इसमें dv अपॉन dt है और साथ में dr है, हम इन्हीं पदों को पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के पश्चात क्या करेंगे, इस इनके मान निकाल लेंगे और डायरेक्ट समीकरण नंबर दो में रख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब dr हमने क्या किया, dt से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, यहां मल्टीप्लाई किया ये डिवाइड कर दिया, हमने क्या किया ऊपर नीचे गुणा कर दिया dt का, जब गुणा कर देंगे तो dr upon dt ये क्या हो गया पोजीशन वेक्टर का समय के सापेक्ष हमने अवकलन कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया वेग, dr upon dt क्या होता है वेग होता है, यानी ये वो v और dt, तो हमारा dr का मान क्या आ गया, ये dr दिया होता v dt, हमें पूरा मान चाहिए, हमें पूरा मान क्या चाहिए, हमें पूरा मान चाहिए dv upon dt into dr, तो हमने क्या किया अगले स्टेप में क्या किया dv upon dt into dr, जो हमारा dv upon dt into dr था हमने क्या किया यहाँ पर जो dt था इसको dr के साथ कर दिया और dv को हमने सिंगल छोड़ दिया, देखिए यहाँ पर dv इसके पश्चात क्या हुआ dr upon dt, ठीक है हमने dt को dr की अपॉन में कर दिया। अब देखिए dr upon dt हमने पहले ही बताया था क्या है, ये पोजीशन वेक्टर का समय के साथ अवकलन है, तो क्या हो जाता है ये बन जाता है वेग, जब वेग बन जाता है तो ये हो जाएगा dv into v, ये बन जाएगा यानी हमारा क्या हुआ v into dv, ठीक है तो ये हमारा क्या हुआ v into dv हो गया। अब देखिए हमने क्या किया इस मान को समीकरण नंबर दो में रख दिया, क्या किया समीकरण नंबर दो में इस मान को रख दिया, जब इसमें मान रखा तो w बराबर क्या हुआ m इंटीग्रेशन a टू b लोअर लिमिट अपर लिमिट b dv, ये हमारा मान जो हमने यहाँ पर निकाला था हमने इस मान को यहाँ पर रख दिया। ठीक है तो यहाँ पर हमारा m, अब देखिए b का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा हाफ b स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है तो वन हो जाता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है हाफ b स्क्वायर हो जाएगा और लिमिट लगा दी a टू b लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, अब देखिए इसका उपयोग कर दिया हाफ m, यहां पर क्या हो गया b सफिक्स में b स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर, हमने क्या किया यहां पर लिमिट को यहां पर उपयोग कर दिया और वो मान को यहां पर हमने रख दिया। ठीक है जब हमने रख दिया तो हमारा आया हाफ m b b स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर, जिसमें बी ए तथा बी बी क्रमशः ए और बी बिंदुओं पर कण के वेग हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा बी ए है और बी बी है, जो हमने बिंदु ए और बी लिए, जहां हमने कहा था प्रारंभ में कि ए से बी तक ले जाने में जो बल लगाया गया है उस पर कार्य किया गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ ए और बी पर कण के वेग है। अब देखिए डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी आर, ये हमारा देखिए ये जो हमारा समीकरण नंबर दो में दिया एफ डी आर, हमने यहाँ पे मान रखा और ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, यहाँ पर जब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये बन जाएगा हाफ एम बी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी ए स्क्वायर। ठीक है हमने यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर दिया और हमारा क्या हुआ ये बन गया समीकरण नंबर हमारा तीन समीकरण बन गया। ठीक है अब देखिए समीकरण तीन से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि कण पर बल द्वारा किया गया कार्य केवल कण के प्रारंभिक व अंतिम चालों पर निर्भर करता है। देखिए यहां पर वेग आ रहा था यहां पर वेग आ रहा था, यानी क्या है जो हमने यहां पर इस पर बल लगाया, बल लगाने से जो कार्य हमारा है वो किस पर निर्भर कर रहा, वेग पर निर्भर कर रहा, सिर्फ हमारा वेग, क्योंकि हमारा एम कैसा था ये हमारा नियत मान था या स्थिर मान था, वेग पर निर्भर कर रहा है ना कि बल की प्रकृति, बल की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है कि किस प्रकार का बल लगाया गया है, ऊपर से नीचे लगाया गया है या नीचे से ऊपर लगाया गया है, किस प्रकार का बल लग रहा है उस बल की प्रकृति और बल कण के पथ पर, इस पर निर्भर कि कण जो हमारा है उसे बल लगाया जा रहा है किस पथ पर है, वो पथ मतलब क्या है अलग अलग, अगर मान ली किसी किसी
व्यक्ति को ए से बी तक जाना है तो वो अलग अलग रास्तों का चयन करता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, कुछ रास्ते ऐसे घुमावदार होते हैं, तो उसे क्या है उसके पथ से भी मतलब नहीं, ठीक है पथ पर। तो ऐसे बल को संरक्षी बल कहते हैं, जो बल पथों पर निर्भर नहीं करते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए समीकरण तीन से W बराबर, अब देखिए जो हमने यहाँ पर निकाला है हाफ एम बी बी स्क्वायर, हम लोगों को मालूम है गतिज ऊर्जा होती हाफ एम बी स्क्वायर, ये भी हाफ एम बी स्क्वायर है, ये हमारी क्या है बी बिंदु पर है, ये ए बिंदु पर है, तो यहाँ पर क्या हुआ W बराबर बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा माइनस बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा, क्योंकि हमारी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यही हाफ एम बी स्क्वायर, बिंदु बी पर है और बिंदु ए पर है। काइनेटिक एनर्जी को के द्वारा व्यक्त किया गया, के बी माइनस के ए। डब्लू बराबर गति ऊर्जा में परिवर्तन, दोनों में परिवर्तन हो रहा है कि अंतिम गति ऊर्जा प्रारंभिक गति ऊर्जा, यानी क्या हो गया डेल्टा के। इस प्रकार एक कण पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। देखिए यहां पर क्या हुआ, जब बल लगाया जा रहा है तो जो कार्य है, कार्य किस पर निर्भर कर रहा है गति ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। यानी कि क्या हुआ, जो कार्य है वो किस पर डिपेंड कर रहा है गति ऊर्जा पर, गति ऊर्जा पर निर्भर करता है। गति ऊर्जा क्या है, ऊर्जा, हमने बताया कि ऊर्जा जो है दो प्रकार होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ये क्या है, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, यानी कार्य क्या हुआ ऊर्जा के बराबर हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने आज वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बताया और हमने विस्तार से यहाँ पर क्या किया, इसको पूरा प्रूफ किया कैसे हमने इसको प्राप्त किया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।